क्या मिलेगा तुम्हें उस मासूम के साथ ये सब कुछ करके? सकून, सकून मिलेगा मुझे। तुम अपने जैसी दूसरी लाचार, बेबस, इज्जत को तरसी हुई औरत बनाकर तुम्हें ऐसे सुकून मिलेगा? हाँ, सुहेल की बेटी होगी तो जरूर मिलेगा। तुमने इसकी माँ को देखा जो सिर्फ इस बच्ची की खातिर उस जैसे इंसान को भुगत रही है? अगर एक बार देख लो ना, शायद तुम्हारे अंदर की वो शरीफ औरत जाग जाए जो इंतकाम की चादर ओढ़कर सो गई है। मैं अपने अंदर की औरत को जगाकर हारने की बजाय सुहेल की बेटी को अपनी जैसी औरत बनाकर अपनी फतह का जश्न मनाऊंगी। तुम एक मासूम और शरीफ जिंदगी को बाजार में बिठाकर उसे फतह का नाम दे रही हो? तुम एक औरत होकर ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हें देखकर। मुझे देखकर? देखो, जब मैं बाजार की जिंदगी छोड़कर शराफत की जिंदगी गुजारना चाहती थी तो क्या किया सुहेल ने मेरे साथ? और शराफत छोड़कर तुमने सिर्फ हामी भरी है उसके सामने घुटने टेकने की, तो वो आका से गुलाम बन गया। खुशियां मना रहे हैं। क्या करने आई हो यहां? आखिरी बार वार्न करने आई। अपने बेटों को लगाम दो, उन्हें समझाएं कि मेरे रास्ते में मत आए। लगाम की जरूरत तो तुम्हें है मापारा। अच्छा तो यही होता कि मैं उसी दिन तुम्हारी रस्सी खींच लेती जिस दिन तुमने हाजरा की बराबरी करने की कोशिश की थी। इनकी बराबरी के लिए तो मुझे बहुत नीचे गिरना पड़ता। अगर नीचे गिर के ही तुम हाजरा जैसी पाकबाज और शरीफ बन सकती हो ना, तो बेहतर है कि गिर जाओ। मैं फरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, समझने की कोशिश करें। राय, मैं फरी का इससे अच्छा ट्रीटमेंट घर पे करवा दूंगा, लेकिन फरी किसी सूरत यहाँ नहीं रहेगी। इसकी जरूरत नहीं है, वो यहीं रहेगी। सोहेल भाई, राय तो मेरी बेटी है, मैं देखूंगा कि उसके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो फिर आप डिसाइड कर लें कि आपके लिए कौन और क्या जरूरी है, क्योंकि फरी के लिए हम सब हैं। क्या कहना चाह रहे हो तुम? ये क्या कहना चाह रहा है? जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं इस सिचुएशन में कह ही नहीं सकता। बस कर दो प्लीज, हॉस्पिटल में खड़े हुए तुम लोग। आप मेरी बात सुने, फरी ठीक हुए बगैर यहां से कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, वो मेरी बेटी और वो मेरी भी कुछ लगती है। अरे सोहेल भाई, क्या हो गया आपको? देखें, आप मेरी माँ ने एक दफा डॉक्टर से बात कर लीजिए, फरी की कंडीशन का पता चलेगा, आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मुबारक हो आपको। तुम यहां क्या कर रही हो? आपका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है।
वैसे कैसा लग रहा है आपको घर में बेटी होने का एहसास होना? जिम्मेदारी तो लग रही होगी। मैंने तो तुम जैसी एहसान फरामोश को भी अपनी बेटी ही समझा था। तभी तो खुदा ने आपके घर बेटी दी है, ताकि आपको एहसास हो कि बेटियों का दर्द क्या होता है। क्या वाकई मेरे घर जन्म लेने वाली ये बच्ची हमारे लिए आजमाइश है? या किसी मजलूम की बद्दुआ? या अल्लाह हम पर रहम फरमा, हम करते हैं, माफ फरमाते हमें। हेलो, मेरी फरी मिली? हाँ मिल गई है, आप मुझे बार बार फोन करना बंद करें। मेरी बात सुनो महवारा, अभी मैं आपकी कोई बात नहीं सुन सकती, मुझे हुस्ना को बचाना है। हुस्ना को? क्यों, उसे क्या हुआ? यहाँ किसी भी लम्हे पुलिस पहुंच जाएगी। मैंने आपको बताया था ना कि आपका शौहर उसे मारना चाहता है। वो हर उस शख्स को मिटाना चाहते हैं जो उसके खिलाफ बोलता है, ताकि उनका असली चेहरा किसी के सामने ना आए। तो अब क्या करोगी तुम? मैंने उससे वादा किया कि मुझे उसे यहाँ से निकालना होगा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि पुलिस आने वाली है, तो फिर? वही तो कह रही हूँ, आप फोन रखेंगी तो मैं उसे बचाऊंगी ना, वरना पुलिस आ जाएगी यहाँ पे। तुम मुझे एड्रेस सेंड करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगी, सोचती हूँ कि क्या करना। इस वक्त मेरे अलावा तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता महापारा, मेरी बात मान लो। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मुझसे वो काम कहो जो मैं कर सकती हूँ। तो आप ये कर सकती हैं? मैंने कहा ना, इस वक्त ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। मैं हुस्ना को अपनी मॉम पर छुपा दूंगी, वहां कोई शक नहीं करेगा। और जब तुम्हें ठीक लगे तो उसे वहां से आकर ले जाना। बस इसी मदद के बदले मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। ठीक है। We'll be right back.
क्या है? हुस्ना का एड्रेस है ये, जाएं और मेरी बच्ची को लेकर वापस आएं। एड्रेस फॉलो करो। ये क्या किया तुमने? सुहेल को एड्रेस क्यों दे दिया उसका? मॉम प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछे। हाजरा मेरी बात सुनो। हाजरा मुझे समझ नहीं आ रही बेटा, और हमें कितना इंतजार करना पड़ेगा? बच्ची हमारे सामने है और हम उसे हासिल नहीं कर पा रहे। डैड बस थोड़ी देर और सब्र कर ले, मैं अभी अंदर से बाहर आया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है किसी लम्हे दोनों बाहर आ जाएंगी। देख लो रायत बेटा, मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा। आप परेशान नहीं हो, बस मैं पता करता हूँ। जो मर्जी आए करो, लेकिन मैं अब पुलिस को साथ लेकर आ रहा हूं, समझे? सादिया, सादिया जल्दी आओ। ये शोर तो बंद करवाओ, तुम सब कुछ नॉर्मल रहने दो। अगर उन लोगों को शक हो गया ना, तो वो फिर अपनी घबराहट में हमारा काम भी खराब कर देंगे। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो, तुम्हें यहां से बाहर निकलना है। और बच्ची, उसे उस औरत के हवाले कर दो। मैं जहां भी जाऊंगी इस बच्ची को साथ लेकर जाऊंगी। सुहेल इस वक्त कुत्तों की तरह मेरी बू सूंघता फिर रहा है। जब तक उसकी बच्ची मेरे पास है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिक्र ना करो, सुहेल के आने से पहले हम पिछले दरवाजे के बाहर होंगे। इसे किस कदर घटिया खानदान से है सुहेल। जिंदगी के 4 साल तुमने उसके साथ गुजारे और तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ। तुम्हारे साथ 4 साल गुजारने के बावजूद उसे तुम पर तरस नहीं आया? मैं कौन सा सुहेल की बीवी थी जो मुझे इज्जत देता, मुझे प्यार करता, या मेरी बच्चे के लिए इस तरह से तड़पता? जब उसने तुम्हारे साथ घर बसाना ही नहीं था, तो फिर उसने तुम्हारे साथ घरस्थी क्यों बसाई? क्यों तुम्हें बाजार से उठाकर घर की छत देने का वादा किया? यही तो है, साफ बराबर करना है। मैंने इसी गुस्से में मैं इस बच्ची को यहां लेकर आई थी, मगर इस लड़की ने आकर सारा काम खराब कर दिया। हुस्ना, पुलिस किसी भी लम्हे यहां पहुंचने वाली होगी। तुम परी को लेकर फौरन निकलो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। क्यों, ये फरी को क्यों लेकर जाए? क्योंकि इसकी जान को खतरा है, तुम्हारा भाई इसे मरवा देगा, इसका यहां से जाना ही जरूरी है। अगर ये अकेले यहां से जाना चाहती है तो जाए, लेकिन फरी कहीं नहीं जाएगी। मैं इसे यहां पर लेने आया था ना, और अगर तुम इसकी जान बचाना चाहती हो तो बचा लो, लेकिन फरी मुझे दे दो। मैं कसम खाता हूं, मैं इसे खामोशी से यहां से ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, तुमसे पहले तुम्हारी भतीजी घर पहुंच जाएगी। देखो, तुम्हें इस पर मुझसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं है। इस पर भरोसा नहीं है, लेकिन इसे जिसके हवाले कर रही हूं उस पर भरोसा है। ये जिस पर तुम भरोसा कर रही हो, ये फरी को घर पहुंचाएगी? हाँ,
क्योंकि वो तुम्हारे से ज्यादा इसकी सगी है। कौन? इसकी माँ। भाभी? हुस्ना, तुम पिछले दरवाजे से फौरन निकलो, बाहर गाड़ी खड़ी है, वहां भाभी तुम्हारा इंतजार करिए, मैं सब देख लूंगी। रुको, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन इससे मुझे तो चलो। एक मिनट, मुझे भी सोहेल के भाई पर बिल्कुल एतबार नहीं है। क्या पता तुम लोग बच्चा लेने के बाद हुस्ना को नुकसान पहुंचाओ। मैंने आपसे कहा ना कि मैं हुस्ना को कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी बात का भरोसा रखो। तो ठीक है, हुस्ना तुम लोगों के साथ जाएगी। ये अकेले यहां नहीं रहेगी। ठीक है, चलो हुस्ना, जल्दी चलो, चले। भाभी, ये ले, आराम से। हुस्ना, जल्दी जाके गाड़ी में बैठो। हुस्ना, चलो। हुस्ना, 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 क्या हो गया तुम्हें? हुस्ना, 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 सोहेल! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोहेल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरी हुस्ना को मार दिया। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने उस मासूम की जान ले ली। अपना मुंह बंद रखना, जान से जाओगी अपनी बहन की तरह। हुस्ना, हुस्ना,
वो औरत मेरी बच्ची को लेकर घर के पिछले दरवाजे से भाग गई। मेरे गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की, उसे कहा कि बच्चा हमारे हवाले कर दो, अगर वो नहीं मानी। हमें डर था कि वो बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मजबूरन मेरे गार्ड्स को फायर खोलना पड़ा। अगर आप तस्दीक के लिए चाहें तो उसके घर वालों से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बाहर जाकर बैठे। थैंक यू। हुस्ना ने जो कुछ भी किया उसमें उसकी मर्जी थी। मैं तो इस हक में बिल्कुल भी नहीं थी कि वो पैसों की खातिर किसी का बच्चा चुरा ले, और वैसे भी मैंने तो उसे घर से निकाल दिया था और काफी अरसे तक तो मेरा उससे कोई राबता भी नहीं है। हुस्ना ने जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा मिल गई है। तक चाय पिलाती रहोगी? चाय पी पी कर तो कलेजा ही जल गया। मैं भी यही कह रही हूँ कि लेकिन भाई पूरी रात हो गई, ना सो रहे हैं ना कुछ खाना खा रहे हैं। ऐसी हालत में कौन सो सकता है? ठीक कह रहे हो, मैं नमाज पढ़ लूँ, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। बारा कहाँ थी सारी रात? जाने दे दादी, बाद में बात करें। माँ बारा, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा ना थक गई, बाद में बात करेंगे। सारी रात तुम्हारी फिक्र में जागता रहा। मैं भी सारी रात एक टांग पे खड़ी रही, थोड़ी देर सुकून चाहिए मुझे। माँ बारा इधर देखो, क्या हालत बनाई हुई है तुमने? कहाँ थे तुम? आपको समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा ना मुझे सुकून चाहिए, सोना है थोड़ी देर के लिए। किस तरह बात कर रही हो माँ बारा, कितना परेशान था तुम्हारे लिए। तो और कैसे बात करूं दादी, कह रही हूं थक गई हूं, सोना चाहती हूं, सुकून चाहिए, तो क्यों समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? थकी हुई तो, लेकिन क्या वाकई सोना चाहती? क्या मतलब है आपका, मैं झूठ बोल रही हूं?
जो थकन तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है वो तुम्हें सोने नहीं देगी। राइट नाउ आई जस्ट वांट पीस, कैन यू प्लीज गिव मी अ सेकंड टू ब्रीथ अलोन। भाभी, ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? क्या करने की? आपको आपकी बेटी चाहिए थी ना, वो मिल रही थी तो फिर सुहेल भाई को बुलाने की क्या जरूरत थी? वो बाप है उसके, उनका फर्ज है उसे बचाएं। नहीं भाभी, आपने उन्हें बचाने के लिए नहीं बुलाया था, आप जानती थी। मैं कुछ नहीं जानती थी, मुझे सिर्फ मेरी बेटी चाहिए। और आपकी बेटी तो बच गई ना, और वो ही देने के लिए महापारा ने बुलाया था आपको। हाँ, और वो मैं ले भी आई, और कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन हुस्ना को वापस ले जाने का वादा तो आपने किया था, खुद ऑफर दी थी। मैंने? हाँ, आपने ही तो कहा था कि आप उसे अपनी मॉम के घर ले जाएंगी, वरना महापारा तो उसे भगा देती। तो आप भी मानती हैं इस बात? हाँ मानती, और मैंने ही सुहेल को एड्रेस और महापारा का पूरा प्लान बताया। क्या मिला आपको ये सब करके? मैं किसी के आगे जवाब दे नहीं। वो एक इंसान थी, वो एक औरत भी थी। So what? तुम जानते हो ना उसने फरी को किडनैप क्यों किया और उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ था। मैं अपनी बच्ची और अपना घर दोबारा किसी खतरे में नहीं डाल सकती थी। राइट, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हुआ था, जुल्म था भाभी। ऐसी औरतों का ऐसे ही अंजाम होता है। खामोशी से यहाँ से ले जाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, तुमसे पहले तुम्हारी भतीजी घर पहुंच जाएगी। देखो, तुम्हें इस पर मुझसे ज्यादा भरोसा है, लेकिन मुझे नहीं। इस पर भरोसा नहीं, लेकिन इसे जिसके हवाले कर रही हूं उस पर भरोसा है। ये जिस पर तुम भरोसा कर रही हो, ये फरी को घर पहुंचाएगी? हाँ। हुस्ना, तुम पिछले दरवाजे से फौरन निकलो, बाहर गाड़ी खड़ी है, वहां भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं सब देख लूंगी। रुको, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन इससे मुझे तो Thank you.
हुस्ना। जानता हूं तुम सोई नहीं हो, रो लो, रो लेने से तकलीफ में सबर आ जाता है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कुछ खा लो। भूख नहीं है मुझे। बेबसी का एहसास जब इंसान के दिमाग पर बोझ बन जाए तो यूं उदास बैठने या भूखा प्यासा रहने से सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाती हैं। और बार बार की नाकामी इंसान से जीने का हौसला छीन लेती है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जब सब मुश्किलें आसान लगती हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूं। जब मैं इस्लामाबाद में था तो कुछ ऐसा ही हाल था मेरा। तो मेरी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था, कोई नहीं था जिससे मैं अपनी बात शेयर कर सकूं। लेकिन आप इस वक्त मुझे ये सारी बातें क्यों सुना रहे हैं? सुना नहीं रहा हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं कि तुम्हारी बात सुनने वाला, समझने वाला और तुम्हारी मदद करने वाला है। लेकिन मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। लोगों के साथ से डर लगने लगा है। एक कंधा तो सबके लिए ऑक्सीजन की तरह जरूरी होता है वहां पर। इस पर इंसान सर रखकर रो सके और दूसरा इंसान उसे जज भी ना करे, रोने की वजह भी ना पूछे। मैं भी नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर तुम बताना चाहो तो मुझे खुशी होगी। लोगों ने उसे मार दिया। मेरी आंखों के सामने मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे बचा लूंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। किसे किसे मार दिया? हुस्ना को मार दिया उन लोगों ने, मेरी गलती की वजह से। मैं ही उन लोगों को हुस्ना तक लेकर गई। मैंने हुस्ना का बताया, हुस्ना भाग सकती थी, उसने मुझ पे एतबार किया था। लेकिन मेरी गलती की वजह से उन लोगों ने उसे मार दिया। सबके सामने, मेरे सामने उसे मार दिया।